स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो पिछली वीडियोस में हम गए थे धोबी वाटरफॉल और चैनमल वाटरफॉल को, और आज हम बढ़ रहे हैं लिंगमाड़ा वाटरफॉल को। पर उससे पहले हम एक ऐसी नई लोकेशन जो अभी बन रही है वहाँ पर जाने वाले हैं, जो कि लिंगमाड़ा वाटरफॉल के नज़दीक ही है। मतलब वहाँ से यहाँ होकर हमें लिंगमाड़ा वाटरफॉल जाना है। सो हम बढ़ रहे हैं मिनी वेन्ना डैम। तो वैसे अभी तीन रूट बन गए हैं अगर आपको लिंगमाड़ा वाटरफॉल जाना होगा तो, लेकिन आज हम जाने वाले सबसे बेस्ट रूट से, ताकि हम वो जो मिनी डैम है वो भी देख सके। तो चलते हैं अभी रूट पर, और यहाँ के लिए अभी लैंडमार्क हमारा होगा वेन्ना लेक। सो वहाँ से ही हमें नीचे जाना है। सो लेट्स एक्सप्लोर द रूट। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ऐसी कुछ आपको ढलान नजर आएगी, और मिनी वेन्ना डैम ऐसा कुछ बोर्ड है। सो यहाँ से हमें नीचे जाना होगा। फाइनली वी हैव रीच्ड टू मिनी डैम, मिनी वेन्ना डैम। सो यही पानी आगे जाकर लिंगमाड़ा वाटरफॉल पर बरसता है। हाँ, तो यही है मिनी डैम। अभी हम नज़दीक जाएंगे, और ये फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन में चालू है। सो अभी जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको भीगने का मजा भी लेना हो, तो अभी ये कुछ ऐसा लोकेशन बन चुका है महाबलेश्वर में जहाँ पर आप भीग भी सकते हो। ये जो यहाँ पर पानी आ रहा है वो है वेन्ना लेक से। सो ऊपर वेन्ना लेक है, और वही अभी ये जो पानी है वो नीचे जाकर लिंगमाड़ा वाटरफॉल बनने वाला है। तो वहां से थोड़ा और ऊपर बढ़ने पर हमें कुछ स्ट्रीम जो है वो जंगल से आती हुई नजर आती है। तो जब आप इस मिनी डैम को विजिट करोगे तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है उन्हें भी विजिट करना, क्योंकि यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं है। तो समझ चुके होंगे आपकी पब्लिक में थोड़ा मुझे भय हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मज़े में यार बहुत सही है। मतलब और क्या कहे यार, जबरदस्त। वन मोर थिंग इज, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पुल नज़र आ रहे हैं। तो अगली बार हम मतलब दो तीन दिन में हम जाने वाले एक कास्ट को भी, तो वहाँ पर भी देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो पुल है वो भी आपको दिखाता हूँ। अबाउट मिनी वेन्ना डैम, तो
आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम जाएंगे लिंगमाला जो वाटरफॉल है वहाँ पर, लेकिन ये ब्लॉग इसी पर यहाँ पर ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग होगा अपना लिंगमाला वाटरफॉल का। तो अभी यहाँ से ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, पर ये जो अपना फोर्थ एपिसोड है यहाँ ख़त्म होता है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ट्रिप प्लान कीजिए महाबलेश्वर के लिए, क्योंकि अभी चालू है अक्टूबर महीना, जो कि बेस्ट होता है महाबलेश्वर विजिट करने के लिए। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।